वैसे तो पूरे देश के अंदर चुनाव था, लेकिन भिवानी महेंद्रगढ़ जाकर सीट की बात करूं तो यहाँ से करीबन 40,000 के करीब वोटों से जीतते हुए देखे जा सकते हैं सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह। और यहाँ पे नया नया भाजपा का ऑफिस बनाया मुकेश गोड का। अब ये ऑफिस का बदलाव कहो या ऑफिस की धरती कहें कि अब यहाँ से जीत का जश्न बनाया जा रहा है सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के लिए। 5 बजे की बात करूँ तो यहाँ पे लड्डू और ढोल नगाड़े बज चुके हैं अपनी जीत के लिए, अपनी जश्न के लिए। तो आप लोगों आए उन लोगों से बात करने का काम करेंगे कि कितनी खुशी है, क्या माहौल अब देखने का काम होगा। नमस्ते। नमस्ते जी। भाई ऑफिस का भी उद्घाटन पहली बार किया है और जीत के लड्डू बांट दिया जी भाई। आज फिर पुनः तीसरी बार मोदी जी सरकार बनाने जा रहे हैं। पूर्ण बहुमत के NDA ने देश में विजय करी है और हमारी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट दावे के साथ हमने दावा किया था जीतेंगे, रोज जीती है। ये अच्छी बात है, कार्यकर्ता अंदर इतना जोश होना चाहिए। बिल्कुल जोश पूरा है, जोश के साथ ही लग रहे थे, जोश का जोश से ही परिणाम आया है। अपने तमिल चलेंगे, नेताओं से बात करेगा, काम करते रहेंगे। तो बधाई दे दूं, एक तो ऑफिस की, एक जीत की, क्या कहेंगे? वो दोनों आपकी बधाई स्वीकार है और ऑफिस की भी। वैसे तो ऑफिस की बधाई में आप लेट हो गए, पिछले 2 महीने से यहाँ पर चल रहे हैं और लड्डू की पार्ट देखो ना, ऑफिस लड्डू खावा, वो चुनाव की प्रक्रिया के बीच में खुल गया था ये, परंतु लोकसभा की बधाई आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी बधाई, क्योंकि राम राज्य की स्थापना इस देश के अंदर हुई है और कहीं ना कहीं पत्रकार होने के बावजूद भी आप एक मतदाता हैं, तो आप पता नहीं कहाँ रहे होंगे, परंतु अच्छा ही हुआ है, आपको भी लगता होगा देश में अच्छा हुआ है। जिस प्रकार से अभी गिनती चल रही है, अभी वो है, लेकिन अभी जीत के लड्डू बढ़ चुके और ढोल बढ़ चुके, तो क्या मायने बन रहे, क्या नहीं? ये 17-18 राउंड की गिनती हो चुकी और हमारा जीत का जो मार्जिन, इतने वोट बचे हुए नहीं, उससे ज्यादा हमारा जीत का मार्जिन है। हम यहाँ पर चुनाव जीत चुके हैं। दोनों खेमों की अगर बात करूँ, भिवानी की बात करूँ, महेंद्रगढ़ की बात करूँ, तो दोनों मजबूत जिले हैं और 4 से 5 सीटें यहाँ पे आते, 4 से 5 सीटें वहाँ देखे जाते, लेकिन यहाँ से तो रावदान सिंह मजबूत रहे और वहाँ से चौधरी धर्मवीर सिंह मजबूत रहे, तो कहाँ पे आखने रहा, क्या आखने रहा, क्योंकि बुद्धिजीवी आदमी आप सारे घूमे हैं, क्या मानते हैं? देखिए, बड़ी खुशी की बात है, इस प्रकार का माहौल इस देश के अंदर ही संभव है और खासकर भिवानी महेंद्रगढ़ की जो जनता ने जिस प्रकार का उदाहरण पेश किया है, ना यहाँ पर जातिवाद चला, ना क्षेत्रवाद चला, इससे अच्छा लोकतंत्र का नमूना नहीं हो सकता कहीं। कि मतलब उस क्षेत्र में आप कहोगे पार्टियों में, बाकी पार्टियों में रहता है, बाकी क्षेत्र में रहता है कि मेरे क्षेत्र से मैं जीत करके आऊँगा, उस बिरादरी का ये होगा। यहाँ पर इस इलाके के अंदर लोगों ने कितना शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव लड़ा, ना क्षेत्रवाद चला, ना जातिवाद चला, सब ने अपने अपने चुनाव लड़े अपने एजेंडे के साथ में। परंतु कांग्रेस पार्टी जो है, थोड़ा सा लोगों को भ्रमित किया कांग्रेस पार्टी ने, हमने जिस प्रकार का लोगों से कमिटमेंट की उस हिसाब से हम गए थे, वो झूठ के बातों के साथ में कांग्रेस के लोगों के बीच में गए। जिस प्रकार से काफी भाजपा के नेता थे जो प्रत्याशी थे, उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की वजह से हम कमजोर रहे या हमारे कहीं ना कहीं वो रहा, लेकिन भिवानी से एक अलग ही वो मैसेज दिया मुकेश गोड ने, मतलब क्या मैसेज दिया आप लोगों ने, दिया कार्यकर्ताओं दिया, क्या जोश था, क्या उमंग थी आपके अंदर? नहीं, पूरे देश भर के अंदर ये तो आपके गलत बात है कि मतलब कह रहे हो किसी कोई नेता कह ही नहीं सकता। BJP का जो वर्कर है 100% शुद्ध देसी घी में तड़ा हुआ मान रहे, 24 कैरेट का गोल्ड है, केवल और केवल राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देना चाहते हैं। आप इसमें देखोगे 50% लोग तो ऐसे होते हैं जो केवल और केवल चुनाव के समय बाहर निकल करके आते हैं, अपना काम करते हैं, जा करके अपने व्यापार काम धंधे उनमें लग जाते हैं, क्योंकि वो राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना चाहते हैं।
भिवानी नहीं, पूरे देश भर के कार्यकर्ता ने बहुत मजबूती के साथ में चुनाव। हरियाणा की बात करूँ तो किसान आंदोलन भी मुद्दा रहा, अग्निवीर भी मुद्दा रहा, लेकिन मुकेश गोड़ की तपस्या सार्थक भी रही और जीत की एक तरफ बढ़ते हुए देखे जाए, तो इसका श्रेय अगर जाएगा तो जिला अध्यक्ष हो जाएगा या कार्यकर्ता हो जाएगा, किस प्रकार? कार्यकर्ताओं को, सारा काम कार्यकर्ताओं का। मैं तो कड़ी हूँ, पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दे रखी है। मेरे से पहले शंकर दुप्पट जीते, उनसे पहले धानिया जीते, मेरे इस बात में कोई और होगा। हम तो एक कड़ी मात्र हैं, पार्टी ने हमारे जिम्मेवारी दे रखी है। टोटल काम जो है पार्टी के वर्कर का है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी, कार्यकर्ताओं के आधार पर चलती है। जिस प्रकार से भाजपा पार्टी की एक थोड़ी और रहती है कि चुनाव होते ही अगले चुनाव की तैयारी करने शुरू कर देती है, 2-3 महीने बाद यहाँ से चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएंगी, तो अब आपकी पोजीशन क्या रहेगी, आपकी निगाह कहाँ रहेगी और कहाँ पे आप अपने आपको देखते हैं? क्योंकि आपके होते हुए, आपके जिला अध्यक्ष होते हुए आज आपने बहुत बड़ी जीत दर्ज की है देश के अंदर। 400 पार का नारा था, लेकिन 400 पार के अंदर से आपने वो सीट निकाली है जो कहीं ना कहीं बची हुई लगती थी हरियाणा के अंदर। जी, मेरी टारगेट है जिलाध्यक्ष होने के नाते 4 विधानसभा की सीटें, चारों में हम जीतने की कोशिश करेंगे। और इस प्रकार का हमारा पार्टी का वर्कर जो है ना, नीचे तक कार्यकर्ताओं का सिस्टम है, हम चारों सीटें जीतेंगे। मेरी तो प्रायोरिटी यही रहेगी जिलाध्यक्ष होने के नाते। इस प्रकार से लोहारू कमजोर है, बालडा कमजोर है, दादरी कमजोर है, तरह क्या कारण मानते हैं कि वहाँ पे क्या इफेक्ट चला, क्या नहीं? किसान आंदोलन और ये मुद्दे नहीं, सारा जो कारण रहा कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार संविधान के बारे में और बाकी चीजों के अंदर आम जनता को गुमराह करने का काम किया। हमने सच्चाई के आधार पर चुनाव लड़ा, हमने जो हमारी तरफ से घोषणा पत्र जारी किया था उसकी सच्चाई के आधार पर चुनाव लड़ा। कांग्रेस पार्टी ने लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किया। हमें लग रहा था कि हम अपने तरीके से ठीक चल रहे हैं, परंतु कुछ कमियां रही होंगी, हम लोगों को अपनी बात ढंग से नहीं समझा पाए होंगे, इसकी वजह से मार्जिन थोड़ा सा कम रहा। परंतु टोटल खेल कांग्रेस पार्टी दिग्भ्रमित करने में जुट रही है और अफवाहें फैलाने के में कामयाब रही, जिसकी वजह से हुआ। अब लोकसभा में हमारी सरकार बनी है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लोग देखेंगे कांग्रेस कहती क्या थी, बीजेपी ने तो उसके विपरीत काम किया है, क्योंकि हमने जो वादे किए थे वो काम करें कांग्रेस कर रही थी कि संविधान खतरे में है, फला चीजें हैं, डिमका है, ये सब चीजें जो है जनता देखेगी आने वाले विधानसभा के चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी यहाँ बहुमत के साथ में सरकार बनाएगी। 10 की 10 सीटें बात करें तो 4-5 सीट आपकी अड़जी हुई लग रही है, 400 पार का नारा, तो क्या मानते, काम ही चूक है हरियाणा के अंदर? जो बता तो दी कांग्रेस पार्टी ने झूठ के ऊपर चुनाव लड़ा है और संविधान और इस प्रकार की झूठी बातें करके लोगों को गुमराह करने का काम किया है। परंतु अब लोगों के समझ में आएगी, हम लोगों के बीच में जाएंगे, जब पहला सत्र शुरू होगा, जो पार्टी ने जो लोगों से वायदे किए हैं पूरे शुरू करने, हम काम करना शुरू करेंगे। लोगों को समझ में आ जाएगी कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही थी, और झूठ की दुकान जल्दी लंबी सी चलती नहीं। जिस प्रकार से तीसरी बार की हैट्रिक है भिवानी मंदगढ़ से, तो लगता है कि वो मंत्रिमंडल भी इसे आएगा या कोई और बड़ी पद मिलेगा या भिवानी का विकास? मंत्रिमंडल का जो है ऊपर के नेतृत्व का काम है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की जीत में अपना योगदान दिया है, यहाँ पर कैंडिडेट जिता करके भेजे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमें मंत्रिमंडल में स्थान मिले। बाकी पार्टी का नेतृत्व आपने जीत के लिए दिन रात एक किया, तो आप अपने शहर के लिए, अपने हलके के लिए, अपने जिले के लिए, दिन रात के लिए क्या ऐसा काम करने का काम करेंगे कि वास्तव में ये लगे कि मुकेश गोड़ जो बना था तो हमारे भिवानी में एक नया इतिहास बन गया? हम सब मिलकर के, सारे मिलकर के हम एमपी साहब के साथ बैठ करके योजना बनाएंगे, उनके मन में क्या है और नए यहाँ पर इंडस्ट्री लेके आने की बातचीत चल रही है, तो हम प्रयास करेंगे यहाँ पर आए और क्षेत्र के अंदर लोगों को रोजगार मिले। लड्डू कितने खा लिए? लड्डू तो खाए लिए भी खंदे रहेंगे यहाँ पर के भाई आते जाएंगे, बढ़ते रहेंगे, पीपे भर कार्टून भर भरा रहे हैं, शाम तक चले 2-3 दिन चलेंगे। आगे क्यों नहीं, देसी घी बनवा रखे है, कल लेते ही चढ़वा दी थी। ये मुकेश गोड़ के ठाठ है जो आज का जो चुनाव था, चुनाव के जो परिणाम हुए हैं, पार्टी ने जो एक मिशन लेके चली थी कि 400 पार का एक हमारा एजेंडा था, कहीं न कहीं टिकट वितरण में कहीं न कहीं लापरवाही की वजह से या ओवर कॉन्फिडेंस में हम कहीं हमारी जो हमने टारगेट लिया था उससे हम मार्जिन कम रहा है। लेकिन धन्यवाद ही है देश की जनता की जिन्होंने बहुमत मिलाकर फिर से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को चुना है। पिछली बार 10 थी, अब की बार 5 देख रहे हो, तो अनुमान क्या कहाँ लगाएंगे, 5 का आंकड़ा कहाँ कमजोर रहा और क्यों चूक रही? देखो जी भाई, मेरे तरफ से अगर आप मानो तो कहीं ना कहीं जाट आंदोलन की बात थी, जाट का हो या किसान आंदोलन की बात हम कहें, कहीं ना कहीं बेरोजगार युवाओं को भ्रमित किया गया था, कहीं ना कहीं महिलाओं को खटाखट की आवाज से भ्रमित किया गया था कि आपके खाते में 1-1 लाख रुपए खटाखट आएंगे, कहीं ना कहीं किसानों को भ्रमित किया गया था कि किसान विरोधी पार्टी 400 पार का नारा पूरा नहीं कर पाए। उसमें जो खामियां रही, नेक्स्ट टाइम में वो खामियों को देखें कहां कसर रहेगी। हो सकता है कि 2029 में हम 400 पार फिर दोबारा से मिशन लेके चले। जी क्या कहेंगे, वर्कर हैं और भारतीय जनता पार्टी के जितने वर्कर शुद्ध देसी घी से तुले हुए और शुद्ध प्योर
वर्कर हैं, जो बात कह दी तो 100 की 100 पत्थर की लकीर है। जिसने जो कह दिया ना, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है तो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट मिलेगा, उससे अलावा नहीं मिलेगा। जी लाला जी, क्या कहेंगे? जो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से चौधरी धर्मवीर जी की जीत बहुत अच्छी हुई है, और हमारे को पहले ही उम्मीद थी कि धर्मवीर जी अच्छे वोटों से जीतेंगे और बीजेपी की नीति पर मोर लगाएंगे। अच्छे वोटों से 40,000 जीते हो गए, तो ये 5 लाख जीत गए। कंपटीशन तो बहुत अच्छा था, और बाकी अच्छे वोटों से कुकर को नहीं, फिर भी जो जितनी भी और भी हैं सीटें उनमें से अच्छे वोटों से आए हैं जी। जीत तो जीत होती है, देखो जीत तो जीत हुई है, पर वर्करों ने अपनी पूरी मेहनत करी है, पूरा संघर्ष करा है, तो तभी रंग लाई है जी, समझे नी। चलो तो, ये माहौल है और ये जीत का जश्न देखा जा सकता है भाजपा कार्यालय के अंदर या मुकेश गोड के कार्यालय के अंदर का, तो ये जीत का जश्न एक अलग ही पैमाना और अलग ही एक रूपरेखा बनाने जा रहा भिवानी महेंद्रगढ़ जिले के लिए। JNC न्यूज से अजनक दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।